नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिवम फिटनेस में। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक सप्लीमेंट क्रिएटिन के बारे में। ये दो डब्बा मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक डब्बा पूरा यूज़ कर लिया हुआ है और दूसरा डब्बा अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो लगातार बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। इसका एक्सपीरियंस भी मैं लास्ट में बताऊँगा और इस वीडियो को हम चार पॉइंट्स में कवर करेंगे। पहला पॉइंट होगा क्रिएटिन हमारे बॉडी में काम कैसे करता है, दूसरा पॉइंट होगा क्या ये सेफ है और सेफ है तो कितने अमाउंट में और क्या कंडीशंस हो सकती हैं कि ये सेफ रहे हमारे बॉडी में, और तीसरा हमारा पॉइंट होगा कि इसको कैसे और किस टाइम पे लेना है वो, और चौथा पॉइंट होगा मेरा एक्सपीरियंस कि मैंने यूज़ किया है, मेरे साथ क्या चेंज आया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा पूरे इन्फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले पॉइंट पे बात कर लेते हैं, तो ये हमारे बॉडी में काम कैसे करता है। तो बेसिकली इसका काम होता है हमारे बॉडी में एटीपी लेवल को बढ़ाना। अगर एटीपी लेवल को सिंपल वर्ड में समझें तो इसका फुल फॉर्म होता है एडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसका मतलब होता है कि ये एक सेलुलर लेवल पे हमारे बॉडी में एनर्जी को स्टोर एंड यूज करने के लिए जो मतलब लेवल होता है उसको मेंटेन करता है, तो इस चीज़ को बढ़ाने में हेल्प करता है क्रिएटिन। और इसको बूस्ट जब करता है तो हमारा स्ट्रेंथ बढ़ता है। जाहिर सी बात है कि जब एनर्जी ज़्यादा होल्ड करेगा मसल तो ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से मसल मास भी गेन होता है। तो जो लोग मसल मास गेन करना चाहते हैं या वेट गेन भी करना चाहते हैं, और ये फैट लॉस में ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करता है, जाहिर सी बात है कि अगर आपका मसल बढ़ेगा तो उसमें फैट लॉस भी होता है, तो ये दोनों कंडीशंस में लोग यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि ये सेफ है या नहीं। तो मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और आज तक जितने भी रिसर्च हुए हैं सबसे ज़्यादा इसी सप्लीमेंट पे रिसर्च हुए हैं। किसी भी आज तक रिसर्च में ये चीज़ प्रूव नहीं हुआ है कि हमारे बॉडी के लिए सेफ नहीं है। ये एकदम सेफ है, बशर्ते आपको इसके अमाउंट का ध्यान रखना होगा। 3 से 5 ग्राम इसके अंदर जो स्कूप दिया होता है वो भी 5 ग्राम से ज़्यादा का नहीं होता है, तो आप एक स्कूप डेली यूज़ कर सकते हो, इससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि इसको जब आप ले रहे हो तो आपको अपने पूरे दिन में वाटर इनटेक का ध्यान रखना होगा, मतलब आपको पूरे दिन पानी अच्छे से पीना होगा, और जितना ज़्यादा पानी आप पी सकते हो इसको लेते टाइम उतना ज़्यादा पानी पीना बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, और वो आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प करेगा। और 4 से 5 लीटर मिनिमम लेके चलते हैं कि कम से कम तो 4 लीटर एक दिन में पानी पीना ही होगा अगर क्रिएटिन ले रहा है उस पीरियड में। ऐसे भी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए 2.5 से 3 लीटर पानी पीना होता है, तो 1 लीटर बढ़ाना पड़ेगा अगर आप क्रिएटिन को यूज़ कर रहे हैं तो। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि इसको लेने का सही टाइम क्या है। तो ये कोई भी ऐसा वे प्रोटीन या किसी और सप्लीमेंट की तरह नहीं है कि ये अलग टाइम पे लेने पे एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम होगा, ये आप कभी भी दिन में ले सकते हो। ऐसे सजेशंस में लिखा हुआ होता है कि कार्बोहाइड्रेट मील के बाद लेने के लिए, लेकिन मैं कभी भी ले लेता हूँ और इसका एब्जॉर्प्शन कुछ भी डिले नहीं होता है। आप वर्कआउट से पहले भी इसको ले सकते हो सिंपल पानी के साथ, या फिर वर्कआउट के बाद भी अगर प्रोटीन पीते हो तो उसमें पी सकते हो, या वर्कआउट के बाद सिंपल पानी में मिला के ले सकते हो। इसके एब्जॉर्प्शन में कोई भी टाइमिंग का फर्क नहीं है, आप सुबह शाम कभी भी ले सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है जब आप इसको ले जा रहे हो। अब लास्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा इसके साथ। तो एक चीज़ पहले एक पॉइंट को क्लियर करते हैं कि बहुत सारे लोग जो भी मतलब सप्लीमेंट्स का बिजनेस करते हैं या सप्लीमेंट बेचते हैं, उन लोगों को ये चीज़ मतलब वो ये बोलते हैं कि शुरुआत में जब आप क्रिएटिन लोडिंग नाम का एक चीज़ आता है कि क्रिएटिन लोड करना है, तो उस पीरियड में क्या होता है कि शुरुआत में लोग इसका ज़्यादा डोज लेते हैं, जो कि गलत है। आप कभी भी क्रिएटिन को लोड ना करो। क्रिएटिन 5 ग्राम का उसका अमाउंट है, आप 5 ग्राम ही लो। मैंने जब स्टार्ट करा थे लेना तो मुझे 10 से 15 दिनों तक तो कोई फ़र्क नहीं दिखा था, और क्रिएटिन लंबा चलता है, अगर एक छोटा वाला डब्बा लेते हैं तो वो भी 2.5-3 महीने तक जाता है। तो 10 से 15 दिनों तक तो मुझे कोई फील नहीं हुआ था चेंज, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मुझे ये चीज़ फील होने लगा। जो लोग हैवी लिफ्ट करते हैं उन लोगों को ये चीज़ फील होगा कि उनके स्ट्रेंथ में थोड़ा सा बूस्ट मिल रहा है उनको, और स्ट्रेंथ में बूस्ट मिलने का मतलब होता है बॉडी में ग्रोथ। तो इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ सही रहा, इसलिए मैं लगातार यूज़ कर रहा हूँ, और इसका कोई भी साइकिल करने का ज़रूरत नहीं होता है। अगर आप अमाउंट बढ़ा नहीं रहे हो, एक लिमिटेड अमाउंट में ले रहे हो, तो आप हमेशा ले सकते हो, इससे कोई भी नुकसान नहीं है। आज तक जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं सारे में ये सेफ निकला है।
तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आप जरूर से सजेशन भी दे सकते हो मुझे, या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो उस पर आप कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि हर कमेंट का रिप्लाई करूं या फिर उस पर वीडियो बना पाऊं। और थैंक यू सो मच चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, आप लोग कोऑर्डिनेट करके चलते हो, थैंक यू सो मच।